जामनेर तालुक्यातील ताज्या बातम्या व ठळक घडामोडींसाठी पाहत राहा जेबीएन महाराष्ट्र। नमस्कार, मी मिनल चौधरी। पाहूया काही ठळक वृत्त। स्त्री ही क्षणाची पत्नी तर अनंत काळाची माता असते असे म्हणतात, त्यामुळे नारी शक्तीचा सन्मान करणे म्हणजे साक्षात दुर्गा मातेचा सन्मान करणे असे होय। जामनेर येथील गुरुदेव सेवा आश्रम ट्रस्ट या श्याम चैतन्यजी महाराजांच्या आश्रमात दरवर्षी कन्या भोजन आणि पूजनाने नारी शक्तीचा सन्मान करण्यात येतो। यावर्षी सुद्धा आश्रमामध्ये या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते। या प्रसंगी तहसीलदार नामदेव टिळेकर, नायब तहसीलदार परमेश्वर कासुळे, आत्मचैतन्यजी महाराज आदी मान्यवर यावेळी उपस्थित होते। या प्रसंगी श्याम चैतन्यजी महाराजांच्या वतीने उपस्थित नारी शक्तीला भोजन दान देण्यात येऊन त्यांचे विधिवत पूजन सुद्धा करण्यात आले। कार्यक्रमाला भाविक मंडळी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। जय श्री कृष्ण। प्यारे मित्रो, आप सभी को और पूज्य बाबा जी को, प्यारे मित्रो, सर्वर सर्वर संतजन और मैं, इन चार तत्वों के बारे में बोला गया कि ये अपने लिए जीते नहीं, ये जीते हैं जगत के लिए, जगत के जीवों के लिए। सर्वर यानी पेड़ होता है, ट्री, उस पर पत्ते होते और छाव देता है, फूल फल देता है, पत्थर मारो तो भी फल देता है, कुछ बोलता नहीं। अपने लिए जीता नहीं, जगत के लिए ही जीता है, पूरे पूरे 100%। पेड़, उसको कटवा डालो तो भी फर्नीचर बनकर हमारे घर में आता है और ईंधन भी देता है, पूरे पूरे यानी अपने लिए जीता नहीं। सरोवर यानी तालाब होता है, डैम होते हैं, पानी जो होता है वो भी प्राय अपने लिए जीता नहीं, जगत के लिए ही जीता है। उसमें से पानी पियो, खेतों को सींचो, जो भी कुछ करो वो कुछ बोलता नहीं, वो देता ही है, इसलिए वो जगत के लिए जीता है, जगत के जीवों के लिए जीता है। तीसरा तत्व संत लोग जो होते हैं, तीन बात पहले बोल दो, मेघ राजा भी बरसता है तो उसको कोई लाभ नहीं होता, वो जगत के लिए ही बरसता है और हर जीव को हरा भरा करता है, जीवन दान देता है, अपने लिए जीता नहीं। वैसे ही संत महात्मा जो होते हैं जगत में हमारे बीच आते हैं, खुद के लिए तो जीते हैं, पहले खुद के लिए नहीं जी तो जग के लिए जी नहीं सकते, पहले खुद के लिए नहीं करेंगे तो जग के लिए कुछ नहीं कर सकेंगे। पहली नजर, पहला ख्याल, पहली सोच अपने और होता है उनका, फिर अपने आप को जान लेने के बाद, पा लेने के बाद फिर जगत के लिए बच जाते हैं। तुकाराम बाबा जी बोलते हैं ना, आता उरलो जगत है। तुका म्हणे मुक्ति परणियली नवरी, आता दिवस सारी खेळी वरी, आता उरलो जगत है। आप मेरे लिए जो करना था मैंने किया, पा लिया, जान लिया, अभी जानने को शेष और पाने को शेष मेरे लिए बचा नहीं, जो भी कुछ प्रसाद पाया हूं तो जगत के लिए अभी शेष बचा है, मैं बांटूंगा। जगत को सुख शांति आनंद परमात्मा के बारे में, उसके तत्व के बारे में प्रसाद के रूप में मैं बांटूंगा, आता और लो जगत है। तो कोई भी संत महात्मा, प्यारे मित्रों,
आपने लिए शेष बच जाता है, फिर अपने लिए ही जीता है। आज बाबा जी क्या मतलब होता है, जगत को इकट्ठा करो, बुलाओ और बच्चियों को बेटियों के लिए अन्नदान दो, उनके लिए कुछ करो, उनके माध्यम से आपन को बुलाते हैं। सभी कुछ ये करने के पीछे उनका हेतु क्या है, क्या स्वार्थ है? कुछ भी नहीं। दो रोटी शान से खा सकते हैं, शान से ध्यान भजन कर सकते हैं, शान से जी सकते हैं। फूल खिला है तो मक्खियां आएंगी, और ध्यान साधना आत्म तत्व को जानेंगे पाएंगे, वो एक जगह मौन में बैठे रहे तो जो मक्खी होती है मकरंद फूल पर जो होता है उसके लिए वो फूल कोई फोन नहीं करता कि इनवाइट नहीं करता, कुछ भी नहीं करता, फिर भी मक्खी वहां आ जाती है। वैसे ही संत महात्मा मौन में बैठा रहेगा तो उसके लिए पर्याप्त है, हवा उसको छूकर जाएगी, जगत को पेड़ पौधों को अपन सबको मिलेंगी, वो भी लाभकारी होती है। संत मौन में बैठा रहे तो वो भी लाभकारी होता है। तो प्यारे मित्रों, बाबा जी अपन सबके लिए कन्याओं के लिए ये जो करते हैं ये परोपकार है, और जगत अपने लिए ही जीता है, अपने लिए सभी जीते हैं, अपने स्वार्थ के लिए सभी दौड़ धूप करते हैं, सभी कुछ करते हैं, पर परोपकार के लिए जो जीता है ना, ये इंसान वही होता है। कुत्ता भी पेट भर लेता है, कुत्ता भी घर मकान नहीं होता, कुछ बिखरे नहीं, चिंता नहीं, जहां मिले वहां खा लेता है और सो जाता है, पर जो किसी और के लिए जीता है ना उसी को ही बोलते हैं, आधी केले मग सांगितले, कुछ करके फिर बोला, कुछ पाकर जगत को बांटा, ऐसे पूज्य हमारे बाबा जी श्याम चंद्र बाबा जी। इनका प्रेम पहले से ही प्रेम रहा, हम प्राय कहीं जाते नहीं, कल शाम को फोन किए कि बाबा जी ऐसा है कन्या भोजन करता है, मेरा ख्याल तो रहता है फिर भी बुलाए, तो मैं उनके प्रेम के खातिर और आपके प्रेम के खातिर आगे और एक कन्याओं के लिए बच्चे उनके लिए। प्यारे मित्रों, स्त्रियों को बच्चियों को जो सम्मान मान सम्मान देना नहीं जानता वो किसी को भी मान सम्मान नहीं दे सकता। कदर आदर पहले उनकी होनी चाहिए, उनसे हम हैं, हमसे भी वो है। मेरे फोन व्हाट्सएप पर प्राय ज्यादा देखता नहीं, व्हाट्सएप कुछ भी ऐसा फेसबुक वगैरह कुछ नहीं, पर एक दिन सहज कोई श्याम चंद्र बाबा जी का और भी ऐसे दो तीन लोग कुछ रूप समय से अच्छे तत्वों के कुछ आते हैं, तो मैं देख रहा था स्त्रियों के बारे में, स्त्री के बिगर चलता ही नहीं जगत। बोले पढ़ाई करो, विद्या हासिल करो, पढ़ाई करो, लिखाई पढ़ाई सब कुछ, तो तुम्हें चाहिए लक्ष्य भी चाहिए, लक्ष्य भी जॉइंट होनी चाहिए, और मंदिर में आरती पूजा ये सब ऐसा देखता है उसमें बड़ा प्यारा, तो श्री तत्व चाहिए ही चाहिए हर क्षेत्र में। तो प्यारे मित्रों, एक कन्याओं को बाबा जी बोल रहे थे और प्राइम मिनिस्टर मोदी भी बोलते हैं, बेटी बचाओ पढ़ाओ, तुम अपन भी बोल सकते, सभी बोल सकते हैं, बेटियों को पढ़ाओ लिखाओ, सुशिक्षित यदि रहेगा जीवन तो तुम्हारी भी संसार की उनको जरूरत नहीं। आचार्य चाणक्य बोलते हैं विद्या मित्रम प्रवासेषु, एक बार मित्र संसार छोड़ देगा पर विद्या और कला जो है ना वो संसार छोड़ती है। तो हम बच्चों को कुछ ज्यादा ना दे पाए तो कम से कम इतना तो देना, उनकी पढ़ाई लिखाई में सहयोग करना, सपोर्ट करना, खूब पढ़ाना लिखाना, सुशिक्षित बनाना, फिर आगे उनका भाग्य प्रारब्ध है वो लेकर ही आए हैं, पर तुम्हारी अपनी फर्जियात जो है वो पूरी करनी है।
अभी हमारे टाइम में तो देखो हम तीन भाई थे, बहन तो नहीं थी। बड़ा भाई तो पढ़ा लिखा 10वीं 12वीं, छोटा भाई हो गया तो मैं जाता था स्कूल में, तो माँ बाप ने सोचा कि भाई छोटा भाई का ख्याल रख, घर रहे, स्कूल में से उठा लिया मुझे। मेरी पढ़ाई नहीं हुई, पढ़ाई नहीं हुई इसका अर्थ तो मैं अन्नाड़ी ऐसा जैसा नहीं, मैं खुद पढ़ाई किया, 8-10 साल पढ़ाई किया हूँ। मेरा मास्टर भी मैं और विद्यार्थी में, स्टूडेंट भी, सर टीचर। विद्या चाहिए, पढ़ाई लिखाई चाहिए, उसके बगैर अंधा है तुम अपन जगत, ब्लाइंड। कहीं शहर में जाओ, कहीं तुमको नौकरी पर लगाना हो तो पहले पूछेंगे भाई पढ़ाई कितनी हुई, क्या हुई। दुकान में लगाना हो, कहीं भी कुछ काम में, तुम्हारी पढ़ाई पहले पूछी जाएगी, बराबर। तुम बोलोगे अन्नाड़ी है हम, तो भाई फिर कोई काम नहीं तुम्हारे। तो विद्या मित्रम प्रवासेषु, बाबा जी का मैसेज, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये, और विद्या दो और अच्छी संग करो, संत महात्माओं के, सच्चे संतों के संग करो, जहाँ तुम्हारी आत्मा बोले, गवा दे कि नहीं सही है, तुम्हारी आत्मा कली खिले, प्रसन्नता मिले, आनंद मिले, तुम्हें ऐसा लगे कि सच में संत तत्व सही है। तो ऐसी उच्च बड़ी संग करते रहना, हरि भजन करते रहना, ध्यान भजन करते रहना, भले लोगों को संग करते रहना। और क्या बोलूं बाबा जी, 10 मिनट दिए थे, करीब पूरे हो ही गए होंगे, बोलने को बहुत कुछ है और बहुत कुछ भी नहीं। आप खुश रहो, खुशहाल रहो, सर्वे सुखिना संतु सर्वे निरामय। ये जो ऋषि मुनियों का वो है कि सब जगत सुखी रहे, निरोग रहे, धन संपत्ति से संपन्न रहे, सब तरह से प्रफुल्लित रहे, यही मैं शुभकामना करता हूँ। ये बेटियाँ बच्चियों, आप भी खुश रहो, प्रसन्न रहो, ये माताएं भाई हो सभी, और पूज्य बाबा जी सबको, आपको मेरी शुभकामना। प्यार मित्रों, जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी, आपने समय निकालकर मेरी विनंती को सम्मान देते हुए आशीर्वाद देने यहाँ आए। इनकी किन शब्दों में आपका धन्यवाद करूँ, धन्यवाद नहीं करूँगा, आपके ऋण में ही रहना चाहूँगा। मित्र हो, मैंने बोल ही दिया शुरुआत में कि मेरा इतना ही इस प्रोग्राम के पीछे एक हेतु रहता है कि मेरी बेटियां आए और उनको मैं मेरे मन की कुछ बात कहूं। बाबा जी ने बहुत सुंदर बात कही कि बेटियां चाहिए और उनको पढ़ाओ। बेटी एक परिवार नहीं बल्कि दो परिवार की बहुत बड़ी जिम्मेदार होती है, वो दो परिवार को जोड़ती है, माँ बाप का परिवार, दूसरा ससुराल का परिवार। इसलिए बेटियों को ऐसे संस्कार देकर भेजिए कि सामने वाले के घर जाने के बाद में उसको ऐसा नहीं लगे कि बहू ने मेरी बेटी आई है। मैं हर सत्संग में कहते रहता हूँ कि जो माँ बाप को स्वर्ग ले जाता है उसको बेटा कहते हैं, जो माँ बाप को स्वर्ग ले जाता है उसको बेटा कहते हैं, जो स्वर्ग को नीचे लाए उसको बेटी कहते हैं, और जो घर को स्वर्ग बना दे उसको बहू कहते हैं। इसलिए बेटी को ऐसे संस्कार देना है आपको कि सामने वालों को लगे कि नहीं, मेरे घर में बेटी नहीं, मेरे घर में बहू नहीं, मेरी बेटी आई है। ताकि वो एक माँ छोड़कर जाए तो वो ससुराल में जाने के बाद सास को माँ की तरह प्यार करे, और उस सास का भी कर्तव्य है कि ये एक परिवार माँ बाप छोड़कर आई है तो ये मेरे लिए बहू नहीं, मेरी घर की लक्ष्मी है। वो कैसे खुश रहे, जब भी कोई विवाह होता है तो घर में जब आती है तो उस दुल्हन का स्वागत किया जाता है किस रूप में, कि मेरे घर में लड़की नहीं बहू नहीं, मेरे घर में एक लक्ष्मी आई है। उस लक्ष्मी ने अपना कर्तव्य नहीं छोड़ना चाहिए, जो फेरे लेते हुए आप जो आपके पति के साथ में फेरे लेते हैं, वो जो आपने आपका
एक अनमोल क्षण दिया है, वो साथ मेरे का बहुत बहुत महत्व है। मैंने उसमें जाऊंगा ज्यादा कि छोटी छोटी बच्चियां हैं, थोड़ा भूख लग गई है, तो ऐसे संस्कार देना है। आप बच्चों को संपत्ति नहीं दिए तो चलेगा, लेकिन संस्कार आवश्यक है। यदि संस्कार है तो वो संपत्ति कमा सकते हैं, और आपने कितने भी उनको संपत्ति देकर गए, उनमें संस्कार नहीं दिए तो उस संपत्ति का कोई मोल नहीं है। इसलिए हमने बेटियों को ऐसे संस्कार देना है कि अगले परिवार को ऐसा लगे कि मेरे घर में सच में एक लक्ष्मी आई है। तो अधिक समय न लेते हुए हमारे इस प्रोग्राम में 40 गांव रावेर अपने अम्बीहोल है, ढोरी है, लिया तांडा है, बोंदे गांव है, बोंदे गांव के हमारे पुलिस पाटिल है, लिया के हमारे सरपंच है, काफ़ी आए हुए हैं। तो मैं सभी का हमारे राठौड़ साहब है, हमारे सोई गांव समिति है, तो मैं सभी का एक शब्द सम्मान के साथ स्वागत करता हूं। और आज हमारे कन्नड़ से हमारी बेटियों के लिए भोजन बनाने के लिए हमारी कन्नड़ समिति के कुछ मेरे प्रेमी आए हैं, उनके लिए भी एक ताली बजाकर हम अभिनंदन कर दें। और इस छोटे से कार्यक्रम में हमारे जल संपदा मंत्री सन्मान्य गिरीश भाऊ, इनके जो पीए हैं संतोष भाऊ बारी, मैंने उनको बहुत बोला कि आप आओ यहाँ, लेकिन उनका स्वभाव मुझे इतना अच्छा लगता है, जो एक जो उनका एक समर्पण का स्वभाव, मैं कुछ नहीं हूँ ऐसा उनको हमेशा जो वो दर्शाते हैं, मेरे दिल को वो बहुत लगते। पॉलिसी नहीं है मैं किसी का पॉलिसी करना, उन्होंने कोई मुझे बहुत कुछ दिया ऐसा नहीं है, लेकिन जो सच है वो बोलना चाहिए। कोई मान सम्मान नहीं, नहीं बाबा जी मैं तो यही नीचे बैठूंगा। हमारे पत्रकार भाई लोग है, हमारे JBN है, हमारा विकास है, हमारे महिदास है, और जो भी सारे हैं, हमारा रवि है, हमारे डॉक्टर साहब आए हैं, डॉक्टर यशवंत पवार, हमारे जमाई राजा है, प्रवीण डॉक्टर प्रवीण पवार, हमारी बेटी भी आई है, तो सभी का धन्यवाद। और अंत में 5 मिनट के लिए हमारे जामनेर के तहसीलदार सम्माननीय तिलेकर साहब 5 मिनट बोलेंगे और हम बेटियों को भोजन के लिए बिठाएंगे। कन्या भोजनाचा कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे। या कार्यक्रम प्रसंगी उपस्थित आदरणीय श्याम चैतन्य व्यासपीठावर उपस्थित सर्व सन्मान्य उपस्थित सर्व पालक बंधू भगिनींना कृतज्ञता भोजन हा जो काही कार्यक्रम आहे, महिलांचा स्त्री शक्तीचा गौरव करण्याचा कार्यक्रम आहे असं म्हणायला हरकत। आपण पाहतो की नवरात्रीमध्ये 9 दिवस आपण दुर्गा मातेचा जगदंबेचा उत्सव अतिशय भक्तिभावाने आणि उत्साहाने करत असतो, पार पाडतो। दुर्गा मातेचा आपण गौरव करतो म्हणजेच आपण स्त्री शक्तीचा गौरव करतो, परंतु एकीकडे आपण देवीचं पूजन करतो आणि जेवढा सन्मान त्या देवी रूपाला देतो तेवढा सन्मान आपण महिलांना देतो का, हा देखील प्रश्न आजच्या या युगामध्ये फार मोठ्या प्रमाणामध्ये समोर येत आहे। एकीकडे आपण 21व्या शतकाकडे वाटचाल करत आहोत, तंत्रज्ञान त्या ठिकाणी विकसित होत आहे, मानवाचा विकास त्याच्यातून होत आहे, आणि हे करत असताना जी काही स्त्री पुरुष समानता आहे, तर ही स्त्री पुरुष समानता देखील आपण तितक्याच हिरिरीनं आणि तेवढ्याच आत्मीयतेनं बाळगली पाहिजे, वाढवली पाहिजे असं या ठिकाणी मी आजच्या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं आवर्जून सांगतो। आपण जर पाहिलं म्हणजे आम्ही बऱ्याच ठिकाणी कॉलेजला शाळांमध्ये कार्यक्रमासाठी जात असतो वेगवेगळ्या कार्यक्रमासाठी, आणि त्या ठिकाणी पाहिलं तर मुलींची संख्या जी आहे म्हणजे आम्ही ज्यावेळेस शाळेला होतो त्यावेळेसपेक्षा आणि आताचं जर पाहिलं तर शिक्षणामध्ये पुढे असणाऱ्या वेगवेगळ्या ॲक्टिव्हिटीमध्ये पुढे असणाऱ्या मुलींची संख्या ही मुलांपेक्षा निश्चितच वाढत आहे। तुम्ही 10वीचे 12वीचे रिझल्ट पहा, इव्हन तुम्ही आता UPSC UPSC जे काही स्पर्धा परीक्षा आहे त्याचा जर अभ्यास केला तर त्याच्यामध्ये मुलींचं यश मिळवण्याचं जे काही प्रमाण आहे ते लक्षणीयरित्या वाढत आहे। मग स्त्री ही पुरुषापेक्षा निश्चितच कमजोर नाही तर ती देखील सक्षम आहे हे आपण समजून घेतलं पाहिजे। आपल्या जळगाव जिल्ह्याचा जर विचार केला
म्हणजे आता भारताची परिस्थिती पाहिली तर स्त्री आणि पुरुष हा जो काही रेशो आहे त्याच्यामध्ये स्त्रियांचं पुरुषांपेक्षा जी काही संख्या आहे ती निश्चितच कमी आहे, 933 आसपास आहे. जळगाव जिल्ह्याचा विचार केला तर ती त्याच्यापेक्षा कमी आहे, 913 आहे. आपल्या तालुक्याचा विचार केला तर ती 919 आहे. म्हणजे 919 विचार केला तर 100 पुरुषांमाग 1000 पुरुषांमाग किती स्त्रिया कमी आहेत, 80 स्त्रिया कमी आहेत. आणि काही जिल्ह्यांचा जर विचार केला तर तो त्याच्यापेक्षा देखील कमी स्त्री पुरुष दर आहे. भविष्यामध्ये जे काही फार मोठ्या समस्या ज्या आहेत त्या समस्यांना आपण याच्यामुळे तोंड द्यावं लागणार आहे. मुलींना फक्त शैक्षणिक म्हणजे शिक्षणामध्येच पुढं मिळून उपयोग नाही तर बाकीच्या फक्त सर्व बाबीमध्ये त्या सक्षम झाल्या पाहिजेत यासाठी देखील सर्व पालकांनी प्रयत्न करायला पाहिजे. आपण न्यूज पेपर वाचतो, आपण वेगवेगळे न्यूज चॅनल्स पाहतो, तर पेपर उघडला किंवा न्यूज चॅनल सुरू केले तर कुठं ना कुठं महिलांवरती मुलींवरती अत्याचार होणाऱ्या घटना आपल्याला समोर येतात, वाचायला मिळतात, पाहायला मिळतात. आणि असं ज्यावेळेस आपण वाचतो किंवा पाहतो त्यावेळेस निश्चितच आपलं एखाद्या लहान मुलीवरती अन्याय अत्याचार झाल्याची जर घटना आपण वाचली किंवा पाहिली तर आपलं मन निश्चितच जो काही एक सामान्य नागरिक आहे त्याचं मन सुद्धा निश्चितच हेलावून जातं. तर अशा घटना फार मोठ्या प्रमाणामध्ये घडत आहेत. तर हे होत असताना मुलींना इतर ऍक्टिव्हिटीज स्वतः देखील त्या या ज्या काही गोष्टी आहेत अपप्रवृत्ती आहेत यांचा विरोध करण्यासाठी त्या सक्षम झाल्या पाहिजे. त्यासाठी आता नवीन टेक्नॉलॉजी आहे त्याचा देखील वापर केला पाहिजे. किंवा त्यांना आता खेडेगावामध्ये मोठी मुलींना कराटे कसं शिकवायचं ठीक आहे किंवा मैदानी खेळ कसे शिकवायचे, परंतु आता तुम्ही सायना नेहवाल ऐकला असेल, PV सिंधू नाव ऐकलं असेल, तर या खेळामध्ये ते पुढे जात आहेत. कुस्ती सारखा खेळ आहे, कबड्डी सारखा खेळ आहे, त्याच्यामध्ये महिला आपलं नाव कमवत आहे. तर आता नवीन युगाचा विचार करता तर या सर्व गोष्टींना मुलींना देखील या सर्व बाबींमध्ये सर्व कलागुण असतील याच्यामध्ये आपण निश्चितच त्यांना ते शिकवलं पाहिजे. त्याची आवड असेल तर त्याच्यामध्ये त्यांना निश्चितच पुढे नेलं पाहिजे. तर खरं आपण स्त्री पुरुष समानता जे काय म्हणतो जे बोलतो ते प्रत्यक्ष आचरणात आल्यासारखं होईल. आणि निश्चितच महात्मा फुलेंनी म्हटलं होतं की एक स्त्री शिकली म्हणजे संपूर्ण जो काही समाज आहे तर तो समाज शिकतो. स्त्री शिकली म्हणजे तिच्या कुटुंबातील जे काही सदस्य आहेत त्यांना ती शिकवेल. आणि कुटुंब शिकलं तर समाज चांगला सुधारेल. आणि समाज सुधारला तर आपला देश निश्चितच त्याच्यामध्ये सुधारेल. त्याच्यामुळे स्त्री शिक्षणाचा आदर करा आणि मुलींना चांगलं शिक्षण द्या. सगळ्या ऍक्टिव्हिटीमध्ये मुली निश्चितच त्यांच्यामध्ये क्षमता असते, त्यांच्या क्षमतांना विकसित होण्यासाठी चालना द्या. असा आजच्या कन्या भोजनाच्या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं मी आवर्जून या ठिकाणी सांगतो. बाबाजींनी या ठिकाणी बोलवलं, मला दोन शब्द बोलण्याची संधी दिली, त्याच्याबद्दल मी त्यांचे आभार व्यक्त करतो. पुन्हा भेटू, तोपर्यंत पाहत रहा JBN महाराष्ट्र न्यूज. नमस्कार.